मॉर्निंग एवरीवन, कल मैंने फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी डाला था 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर मीनिंग सेक्रेटरी मीनिंग और फीचर्स दोनों ही कल मैंने डाला था। आज मैं डालने वाली हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों है? हमने देखा है स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन भी है, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन भी है, मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन भी है। तीनों के लिए ही सेक्रेटरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो मीडियम स्केल के लिए, स्मॉल स्केल के लिए या तो लार्ज स्केल के लिए जो वर्क उसका होता है ना, तीनों के लिए सेम होता है। उसका वर्क सेम कैसे होता है? वो डे टू डे वर्क करता है, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है, तो वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि सब उसका एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ओनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग है। तो वो एक बंदा है जो मेन वाइटल रोल प्ले करता है दोनों के बीच में। तो आइए देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है सेक्रेटरी के। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैसे है हमें यहाँ पे बताया गया है कि देखो वो एग्जीक्यूट कैसे करता है पॉलिसीज को, ऑफिसर वो कैसे है। हमने जैसे कि देखा है जो मैनेजमेंट होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट वो सिर्फ डायरेक्शन देता है, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो रहता है टॉप लेवल मैनेजमेंट की डायरेक्शन को फॉलो करता है और उसका जो प्लान्स होता है उसके डिसीशंस के हिसाब से वो प्लान्स बनाता है। मीडियम लेवल मैनेजमेंट के बाद जो लोअर लेवल आता है ना वो उसके हिसाब से वर्क करता है। तो तीनों लेवल जो रहती है मैनेजमेंट की उनके बीच में कोऑर्डिनेट करना, कम्युनिकेट करना, करेस्पॉन्डेंस मेंटेन रखना, ये तीनों का काम, तीनों काम ये सेक्रेटरी करता है क्योंकि सेक्रेटरी का ही काम है तीनों के बीच में कम्युनिकेट कराना। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कुछ नोटिस दिया है तो वो नोटिस बना के नोटिस बोर्ड्स पे लगवाना, या तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स निकाले हैं, कुछ रूल्स निकाले हैं तो वो रूल्स लिख के नोटिस बोर्ड्स पे लगवाना, ये सब काम सेक्रेटरी का है। उसके अलावा अगर सपोज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कुछ प्लान्स एंड पॉलिसीज जो उसको बताई है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आनी चाहिए, अगर वो प्लान्स एंड पॉलिसी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आनी चाहिए तो वो एग्जीक्यूट भी तो होनी चाहिए ना। एग्जीक्यूट करना मीन्स व्हाट, हम बोलते हैं ना अभी हमने प्लान को बना दिया अभी उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो कंपनीज में भी ऐसा होता है अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान्स एंड पॉलिसीज बना दिया कि उसको एग्जीक्यूट करना है कि किसको कौन सा काम देना है, कौन सा काम कौन करेगा, कितने वक्त में कंप्लीट करेगा, कौन लायबल है इतने वक्त में कंप्लीट करने के लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है ये वक्त ये टास्क करने के लिए और ये टास्क का रिजल्ट क्या होना चाहिए, ये सब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। इसके लिए सेक्रेटरी को ये काम दिया जाता है कि आप एग्जीक्यूट करो पॉलिसीज जो हमने बनाई है। और एडमिनिस्ट्रेटर, अभी ये सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटर कैसे हुआ? जैसे कि हमने देखा है कि सेक्रेटरी डे टू डे वर्क करता है। अभी डे टू डे वर्क में क्या आ गया, जैसे डे टू डे वर्क में मेल आ गया, सपोज किसी पार्टी का मेल आया है तो वो मेल का आंसर करना, या तो डायरेक्टर या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी पार्टी को मेल भेजने के लिए बोला है तो वो मेल भेजना, या तो कोई विजिटर आया है कंपनी में उसको अटेंड करना, या तो फिर किसी का कॉल आया है कंपनी में उसको अटेंड करना, ये सब डे टू डे वर्क करता है। अलॉन्ग विद दिस जो प्लान पॉलिसी वो होता है जो सब वो काम करता है, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड काम करता है तो उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये ड्यूटीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन की डे टू डे वर्क की, करेस्पॉन्डेंस की, मीटिंग्स की और कॉल्स की, ये सब रहती है वो सेक्रेटरी करता है। इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉइंट करना। ओके, एडवाइज़र, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर सेक्रेटरी ही जो होता है वो ही मेन पार्ट होता है किसी भी मीटिंग का, टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो मीटिंग्स रहती है सब सेक्रेटरी के मौजूदगी में ही होती है। मैंने बोला कि मीटिंग्स वगैरह के टाइमिंग्स एंड प्लेस, जो ऑडियंस रहती है सब उसको नोटिस वगैरह सब ये सेक्रेटरी ही भेजता है। ये सेक्रेटरी ही भेजेगा तो वो प्रेजेंट भी वो मीटिंग में सेक्रेटरी ही रहेगा ना, तो वो एडवाइजर क्यों? क्योंकि उसके पास मीटिंग्स के सब रिकॉर्ड्स रहते हैं, डिसीशंस के रिकॉर्ड्स रहते हैं। तो कोई भी डिसीशन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले रहे हैं तो वो डिसीशन लेने से पहले सेक्रेटरी से एक एडवाइस लेनी चाहिए, इसके लिए ये एक्ट एज एन एडवाइज़र। तो सेक्रेटरी एक एडवाइज़र है जो एडवाइस देगा कंपनी को, जो उसकी एडवाइस
हेल्प करेगी कंपनी को ग्रो करने की और एक्यूरेट डिसीजन ले पाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके एडवाइस के हेल्प के वजह से। क्लियर। उसके बाद कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। अभी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इसके पास क्या होगी जो वो उस इन्फॉर्मेशन का कस्टडी करके रखेगा। देखिए हम बोलते हैं कि जेकेटी हर मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ रहता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कौन सी भी मीटिंग जो ऑर्गेनाइजेशन में होती है ना, बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स मीटिंग, सब मीटिंग जो अरेंजी शेयर होल्डर्स की अरेंजी सेक्रेटरी करता है तो वो प्रेजेंट भी उसमें रहेगा, क्योंकि उसको मिनट बुक ये सब बुक्स मीटिंग के दौरान रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं। तो अगर समझो उसने कुछ कमिटीज के साथ, बिजनेस कमिटीज जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन की, उसके साथ जो मीटिंग अटेंड की उसमें कुछ डिसीजन लिए गए, जो डिसीजन उस मीटिंग में लिए गए उस इंफॉर्मेशन की, वो डिसीजन की इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं देनी है, उसको बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी स्प्रेड नहीं करना, उसको बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। सिर्फ रिलेटेड ऑडियंस को पता रहती है वो इंफॉर्मेशन। क्लियर। करस्पॉन्डेंट, अभी सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंट कैसे करके रखेगा, जैसे कि मैंने बोला कि ये लेटर्स का टाइप करता है, लेटर्स के साथ मेल सेंड करता है, मेल्स के साथ कॉल्स भी अटेंड करता है, तो ये किसके साथ कॉल अटेंड करेगा, बैंक्स के साथ, रजिस्ट्रार के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, उसके साथ इसके रोज करस्पॉन्डेंस होती रहती है। क्लियर। लीगलिटी, अभी एक्ट, कंपनीज एक्ट और किसी भी एक्ट के द्वारा उसको बुक्स बनाने पड़ते हैं, स्टेट्यूटरी बुक्स, रजिस्ट्रार्स बुक, अदरवाइज स्टेट्समेंट या तो फिर लेजर्स, अकाउंट्स, ये जो सब रहते हैं टाइम लिमिट के थ्रू उसको बना के जो उसका लीगल अथॉरिटी है उसको देने पड़ते हैं, उसको ये सब लीगल काम भी करने पड़ते हैं। इसके लिए इम्पोर्टेंट है सेक्रेटरी अपॉइंट करना। उसकी ड्यूटी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है, उसकी ड्यूटी सिर्फ एडवाइस देने की नहीं है या तो फिर प्लान्स और पॉलिसी एग्जीक्यूट करने की नहीं है, बट उसकी ड्यूटी और करस्पॉन्डेंस करने की भी है और लीगल जो बुक्स हैं वो भी मेंटेन करने की है। उसके बाद वाइटल रोल इन करेक्ट कंडक्टिंग मीटिंग, ये क्या है, मैंने जैसे कि बोला हर मीटिंग में सेक्रेटरी मौजूद रहता है, बट सिर्फ मीटिंग में ही मौजूद रहना सेक्रेटरी का इम्पोर्टेंट नहीं है, मीटिंग के पहले भी उसका बहुत काम रहता है, मीटिंग के बीच में भी उसका बहुत काम रहता है, मीटिंग के बाद भी उसका बहुत काम रहता है। कैसे, बिफोर मीटिंग अगर उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इंस्ट्रक्शंस मिल गए कि ये ऑडियंस है, ये मीटिंग है, एजेंडा मीटिंग का ये है, ये टाइम पे होना चाहिए, ये प्लेस पे होना चाहिए, तो उसको वो उस हिसाब से लेटर्स बनाने पड़ेंगे कि ये टाइम पे, ये प्लेस पे, इन इन शेयर होल्डर्स की इस एजेंडा पे ये मीटिंग है, फिर उसके बाद ये लेटर्स बना के उसको पोस्ट करने पड़ेंगे, अदरवाइज मेल सेंड करने पड़ेंगे। ये बिफोर मीटिंग काम है उसका। इन बिटवीन मीटिंग उसका क्या काम रहेगा, जो डिस्कस हो रहा है मैटर वो अपने मिनट बुक्स में लिखेगा, जो नोटबुक पे वो लिखता है उसको मिनट बुक बोलते हैं, अपने मिनट बुक में लिखेगा वो सब जो डिसीजन हुआ वो भी लिखेगा। आफ्टर मीटिंग उसका क्या काम रहता है, जो भी डिसीजन हुआ मीटिंग के बाद वो डिसीजन को एग्जीक्यूट करना उसका आफ्टर मीटिंग काम रहता है। तो ये वाइटल रोल मीटिंग के कंडक्शन के लिए भी बहुत वाइटल रोल करता है, क्योंकि बिफोर आफ्टर बिटवीन उसका बहुत काम रहता है। क्लियर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो प्लान्स एंड पॉलिसी डायरेक्टर ने बनाए हैं, उस प्लान्स एंड पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है, डे टू डे वर्क करता है, जैसे कि मेल करना, सेंड करना, कॉल अटेंड करना, उसके बाद मेल सेंड करना, मेल का आंसर देना, मेल अपने आप से सेंड करना, एडवाइस देना डायरेक्टर्स को किसी बात पे डिसीजन लेने के लिए, जैसे कि इसके डिसीजन का अच्छा इम्पैक्ट हो ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है जो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, कमेटी के साथ मीटिंग हुई है किसको भी नहीं बताना, उसको बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। करस्पॉन्डेंस मतलब वो जो भी मीटिंग के लिए कुछ भी करस्पॉन्डेंस कर रहा है शेयर होल्डर्स के साथ, बैंक के साथ, रजिस्ट्रार ऑफ मीटिंग के साथ, किसके साथ भी करस्पॉन्डेंट कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट फीचर है सेक्रेटरी का। लीगलिटी मतलब डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना, वाइटल रोल प्ले करता है ये डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने में भी जो एक्ट के द्वारा बताए गए हैं, वाइटल रोल बिफोर आफ्टर एंड
इन बिटवीन इसका वाइटल रोल है, जैसे कि मैंने बताया आपको इस किसी भी पॉइंट में या तो किसी भी अदर टॉपिक में कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, या तो मुझे मेल सेंड कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पे। अगर आपको फीचर्स की लिंक चाहिए, मीनिंग की लिंक चाहिए, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। सो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।